लाहौर बागबानपुरा में पुलिस मुकाबला, कांस्टेबल शहीद, हेड कांस्टेबल जख्मी, दो डाकू मारे गए। मशहूर मोटरसाइकिल सवारों ने रोकने पर फायरिंग कर दी। मसीह तफसीलात जानते हैं मुशर्रफ शाह से। जी मुशर्रफ, इस सारे वाक़े का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, बागवानपुरा में पुलिस मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल इमरान हैदर शहीद जबकि कांस्टेबल दिलदार शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग के तबादले में दो मोटरसाइकिल सवार डाकू भी मारे गए। पुलिस के मुताबिक गश्त पर मामूर मुआवजों ने जीटी रोड मोहनपुरा के करीब मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक जानते हुए रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही डाकू ने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से कांस्टेबल इमरान हैदर मौके पर शहीद हो गया जबकि हेड कांस्टेबल दिलदार जख्मी हो गया जिसे फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकल कर दिया गया। पुलिस अहलकारों की जवाबी फायरिंग से दो डाकू भी मारे गए जिनकी शिनाख्त अभी तक ना हो सकी। इतला मिलने पर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर सईद अली नासर रिजवी, एसपी कैंट अवैध शफीक, एसएचओ भगवानपुरा वकार बुखारी मौके पर पहुंच गए। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने मरने वाले डाकुओं की शिनाख्त का अमल मुकम्मल करने और उनका रिकॉर्ड मरतब करने के अहकाम जारी किए। इलाके में मजीद सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर सईद अली नासर रिजवी, एसपी कैंट अवैध शफीक ने अस्पताल पहुंचे और जख्मी कांस्टेबल दिलदार की इजादत भी की। डीआईजी ऑपरेशन ने अस्पताल इंतजामिया को जख्मी कांस्टेबल को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हदायत की। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर सईद अली नासर रिजवी का कहना था कि फर्ज की राह में अपनी जानों को की परवाह ना करने वाले हमारे सरों का ताज है। अवाम और नास की जानों माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा नासर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जी सही मुशर्रफ, आपका शुक्रिया।